हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइडल मेकअप किट की। तो इस मेकअप किट में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी शादी होने वाली है या आपके घर में किसी की शादी है, कोई कज़न या कोई भी जो ब्राइडल किट बना रहा है, तो उसको आप ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो मेकअप किट है, ये मेरी भी ब्राइडल किट में है। ये सारे मेकअप जो है मैंने अपनी ब्राइडल किट में रखे हुए हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों में इंडियन कल्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंस होता है बिंदी का। तो अभी मैंने एक स्टोन वर्क में बिंदी लगाई हुई है। तो अगर आप अनमैरिड हैं, मैरिड है, जो भी हैं, तो आप ऐसी बिंदी लगा सकते हैं। बट अगर आप मैरिड हैं तो रेड मरून ऐसे कलर की बिंदी जो होती है वो बहुत सुंदर लगती है। तो मैं आपको यहाँ टू ऑप्शंस दूंगी और दोनों ही बहुत अफोर्डेबल है। आपको 5 या 10 रुपये में ऐसी बिंदी मिल जाएगी कहीं भी लोकल स्टोर में। आप देख सकते हैं ये बिंदी मुझे 10 रुपीज़ की मिली थी। और इसका कोई स्पेसिफिक वैसे ब्रांड नहीं है, बट इस पर लिखा हुआ है लेडी ब्यूटी बिंदी, तो आप ले सकते हैं। स्टिकर बिंदियाँ होती है, बेसिकली आपको इसे स्टिक करना होता है अपने माथे पे। और एक आप ऐसा पैकेट टाइप लीजिए, इसमें क्या होगा, ये आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। मुझे 70-80 रुपीज़ की मिली थी, बट इसमें ना देखिए सारे ऐसे पार्टी वेयर कलर हो गए, मल्टी कलर। देन आपको एक ऐसे मरून का शेड मिल जाएगा, रेड शेड में मिल जाएंगी बिंदियाँ। देन आपको ये मरून में मिल जाएंगी, एंड देन अगेन मल्टी कलर में। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल पैकेट होता है, आपको ऐसे प्लेन में भी मिल जाएगा, फैंसी में भी मिल जाएगा। तो जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेकअप में। तो सबसे पहले हमें अप्लाई करना, मैं यहाँ स्किन केयर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखाऊंगी आपको। अब फेस वॉश मॉइस्चराइज़र के बाद हमें सबसे पहले अप्लाई करना होता है प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ना देते हुए एक ऑप्शन दूंगी, जो है ब्लू हेवन का प्राइमर। और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, अच्छी क्वालिटी का है, बजट में है, मैं खुद से यूज़ करती हूँ। MRP 300 रुपीज़ है, बट आपको ये इजीली 120, 150, 180, 200 समथिंग में मिल जाएगा। अभी तो Amazon पे सेल भी चल रही है, तो आप उसमें डेफिनेटली ले सकते हैं। इसके अलावा इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं या पिगमेंटेशन है या ऐसे कोई भी इश्यूज हैं, मार्क वगैरह, तो प्राइमर के बाद आप डायरेक्ट फाउंडेशन मत लगाइए। क्योंकि हमारे बहुत लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हम जब भी फाउंडेशन लगाते हैं तो फाउंडेशन ग्रे हो जाता है, यहाँ माउथ के अराउंड कलर चेंज हो जाता है, वो बहुत बहुत बुरा लगता है। तो उससे पहले हमें कलर करेक्शन करना ज़रूरी होता है। तो कलर करेक्शन के लिए मैं यहाँ आपको सजेस्ट करना चाहूँगी इनसाइड कॉस्मेटिक्स की, इनसाइड कॉस्मेटिक की कलर व्हील पैलेट, कंसीलर, करेक्टर और कॉन्टोर, तीनों आपको एक में ही मिल जाता है। और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है, मुझे आई थिंक ये 150 के अंडर मिल गई थी सेल प्राइस में। तो यहाँ ऑरेंज कलर करेक्टर होता है, उसे आप करेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन थोड़े ब्राउन कलर हैं, लाइट कलर हैं, जिन्हें आप कंसीलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ पैलेट है, तो आपको इसे डेफिनेटली लेना चाहिए। और ये आपको ईजिली 200 रुपीज़ के अंडर मिल जाएगी। नेक्स्ट बात आती है बेस मेकअप की। तो कलर करेक्शन के बाद हमें फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ती है, और फाउंडेशन के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं दूंगी। आप डेफिनेटली चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं आपको ये मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन लेने का सजेशन दूंगी। ये एक बजट में अफोर्डेबल और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का फाउंडेशन है। अगर आप ब्राइडल हैं तो आपकी वैनिटी में ये फाउंडेशन डेफिनेटली होना चाहिए। ये आपको इजीली 400 के अंडर मिल जाएगा ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे, और इसमें मल्टीपल कलर ऑप्शन शेड्स अवेलेबल हैं। तो इस फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात यह है लॉन्ग लास्टिंग है, मैट फिनिश देता है, और कवरेज भी काफ़ी अच्छी है इसकी, डिसेंट कवरेज है। आप इसे बिल्ड भी कर सकते हैं, हाई कवरेज, मीडियम टू हाई कवरेज देता है ये आपको। प्लस इसमें आपको शेड रेंज काफ़ी मिल जाती है। मेरा शेड नंबर है 120 क्लासिक आइवरी, और ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। नेक्स्ट फाउंडेशन के बाद हमें जैसे हम फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं तो पूरा फेस हमारा इक्वल एक बॉयल अंडे जैसा हो जाता है। तो उसे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, जहां हमें हमारे अंडर आई एरिया हो गया, जहां थोड़ा हाईलाइटेड करना होता है, उसको और ज़्यादा कवरेज देनी होती है, तो उसके लिए हमें कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है। और कंसीलर में मेरे पास यहाँ ऑप्शन है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। आपको ये कंसीलर डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, सबका फेवरेट कंसीलर है ये। तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हो या ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हो, सब इस कंसीलर को बहुत पसंद कर रहे हैं। इसमें मेरा शेड है 02,
और आप अपने शेड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको इजीली 200 के अंडर मिल जाएगा किसी भी ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कहीं से भी ले सकते हैं आप। और ये बहुत अच्छा कंसीलर है गाइस, ट्रस्ट मी, अगर आप बजट में कोई हाई क्वालिटी का बढ़िया कंसीलर देख रहे हैं तो आपको ये कंसीलर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर की, और कॉम्पैक्ट पाउडर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम उसको आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हो। अगर आप कभी बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहते तो आप गो टू कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के और आप कहीं भी जा सकते हो। तो मैं यहाँ आपको दो तीन ऑप्शंस देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको लूज़ पाउडर का ऑप्शन दूंगी, जो लूज़ पाउडर है वो भी काफ़ी मल्टीपल यूजेस में, बेकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एज अ थोड़े बहुत, क्योंकि जब हम फाउंडेशन वगैरह लगा लेते हैं तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कुछ लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल उसको स्वेट प्रूफ या और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हमें पाउडर की ज़रूरत होती है। तो आप उस केस में ये ब्लू हेवन का लूज़ पाउडर ट्राई कर सकते हैं, और इसका एमआरपी जस्ट 125 रुपीज़ गाइस, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का लूज़ पाउडर है, तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास हम सबका फेवरेट और काफ़ी बजट में कॉम्पैक्ट पाउडर, और ये है मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये आपको इजीली 170-160 रुपीज़ में मिल जाएगा, और जब इसकी सेल आती है ना, ओ गॉड, इस पर बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट होते हैं, मुझे ये 120 रुपीज़ तक में भी दिखा है। तो आप ये शेड ले, मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर डेफिनेटली ट्राई करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरा पर्सनल फेवरेट लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर है विद SPF 40 UVB PA++ UVA UVB, इसमें सब कुछ है। तो आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आप कह सकते हैं 220 रुपीज़ का है, बट ये आपको इजीली 180 और समथिंग का मिल जाएगा। तो आप ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे ब्लश, कॉन्टोर और हाइलाइटर की। बेस मेकअप में बेस करने के बाद हमारा फेस जो है काफ़ी फ्लैट हो जाता है, एकदम वो हो जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर और उस प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रक्चर और डायमेंशन प्रोवाइड करने के लिए हमें ब्रॉन्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, देन ब्लश की ज़रूरत पड़ती है। आप ब्लश ज़रूर लगाएं, मैं कहती हूँ अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना मेकअप में, बहुत सिंपल मेकअप किया तो भी आप ब्लश लगाएं। ब्लश से जो है आपके फेस का एक अलग ही स्ट्रक्चर हो जाता, एक अलग ही ग्लो आ जाता है। मैंने अभी ब्लश अप्लाई किया हुआ है और मैंने इसके अलावा कुछ नहीं लगाया, बस अपना जो स्किन केयर होता है, सनस्क्रीन वगैरह लगाई है, दैनिक लिपस्टिक और ब्राउज फिल किए हैं। तो ब्लश से जो है एक फेस को काफ़ी अच्छा डायमेंशन मिलता है। तो मैं आपको यहाँ एक ऑप्शन दूंगी जिसमें आपको ब्लश, कॉन्टोर और हाइलाइटर तीनों मिल जाता है। अगर आप तीनों इंडिविजुअली खरीदोगे तो आपको आराम से 1000 रुपीज़ पड़ जाएंगे अफोर्डेबल में, क्योंकि 200-250 से कम का तो कुछ भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ आपको 799 में ये मिलता है, और इस पर आराम से ऑफर चलते रहते हैं। शुगर का ये कॉन्टोर दी फोर्स फेस पैलेट है, और इसमें मेरा शेड है सटल समिट, और इसमें आपको एक मिरर मिल जाता है, देन यहाँ आपको 3 ब्रॉन्जिंग, हाइलाइटर और ब्लश। हाइलाइटर जो है इसका बहुत प्यारा है, लेट मी शो यू, दिख रहा है आपको, बहुत सुंदर हाइलाइटर है। आप थोड़ा सा लगाइए एंड यू विल बी लाइक डिस्को बॉल। तो अगर आप ब्राइड टू बी हैं, या आप किसी को ब्राइडल किट में, या आप अपनी मेकअप किट तैयार कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये पैलेट लेनी ही चाहिए। अफोर्डेबल है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के, एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये आपके तीनों पर्पस, ब्लश, कॉन्टोर और हाइलाइटर, तीनों पर्पस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करती है। तो आपको डेफिनेटली ये पैलेट लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्राउज़ का, तो आप अपनी ब्राउज़ को फिल करना कभी भी मत भूलिए। मैं यहाँ पर मास्क की ब्राउ किट यूज़ करती हूँ। आप स्विस ब्यूटी की ब्राउ पेंसिल आती है, वो भी ले सकते हैं, वो आपको इजिली 60 और 45 रुपीज़ के अंडर मिल जाएगी। ये मुझे 150 की मिली थी, मैंने ऑफलाइन लिया था, और इसमें सामने की तरफ एक मिरर है, देन यहाँ 2 शेड्स मिल जाते हैं, और एक इसमें छोटा ब्रश भी है, आप देख सकते हैं ये ब्रश है, तो अच्छी है ये ब्राउ किट भी। तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं, मैं आपको स्विस ब्यूटी का सजेस्ट करूँगी, देन ये मास्क की पैलेट से ब्राउ किट सजेस्ट करूँगी। सो ब्राउज के बाद बात आती है आई मेकअप की। सो आई मेकअप में जो है आई शेडो, हम आई मेकअप में आई शेडो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप ब्राइड टू बी हैं, या आप अपनी मेकअप किट बना रहे हैं, तो आपको आई शेडो ज़रूर लेने चाहिए। मैं आपको बजट में यहाँ 2 ऑप्शंस दूंगी। सो दोनों ऑप्शन बहुत ही अफोर्डेबल हैं, और ईजिली आपको 200 रुपीज़ के अंडर मिल जाएंगे। ये है एक न्यूड पैलेट, बट इसमें कुछ बोल्ड कलर भी हैं, मतलब ये पैलेट काफ़ी सुंदर है, देन ये कलरफुल पैलेट है।
सो ये है हिलोरी रेबुटा की पैलेट और ये है ग्लैम 21 की पैलेट। दोनों ही मुझे 200 रुपीज़ के अंडर मिले थे। ये मुझे 180 और समथिंग की मिल गई थी अमेजोन से, और ये मुझे मिला था, मैंने ऑफलाइन ख़रीदा था, तो ये भी 200 के अंडर मुझे उन्होंने भैया ने दे दिया था। सो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है 5 साल की है, और इसकी शेल्फ़ लाइफ आपको आराम से 4 साल की मिल जाती है। इसका MRP 199 रुपीज़ है, और इसका MRP मुझे एक्चुअली शो नहीं हो रहा, बट मुझे याद है मैंने 200 के अंडर ही ली थी। तो अगर आप ब्राइडल हैं तो आप ये किट डेफिनेटली ले लीजिए। देखिए आप इसकी कलर देखिए, आपको यहाँ रेड, पिंक, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, पैरेट कलर, गोल्डन कलर, जो भी कलर ज़रूरत होती है। लाइक मैं आपको कुछ कलर्स दिखा देती हूँ, गोल्डन का स्वॉच बहुत ही अच्छी खासी पिगमेंटेशन है इनकी, ग्रीन, मतलब एक जो डिसेंट पिगमेंटेशन होनी चाहिए ना, इनकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, लेट एक सेकेंड, बहुत ही हल्का कलर ले रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी वाली पिगमेंटेशन है, 199 रुपीज़, वर्थ द प्राइस। एवरी सिंगल पैनी आपका वसूल हो जाएगा, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये मेरी फेवरेट पैलेट है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके अलावा आप मास्क की पैलेट भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलर थीम आपको मिल जाएंगे। सो आई मेकअप में नेक्स्ट होता है काजल एंड आईलाइनर। तो यहाँ काजल के लिए मैं आपको मेबलिन का काजल सजेस्ट करूँगी, वाटरप्रूफ है, बजट में है, बहुत बढ़िया काजल है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। और आईलाइनर के लिए यहाँ मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, मेबलिन का अगेन कलोसल आईलाइनर, ये भी आपको अंडर 200 रुपीज़ मिल जाएगा। बट अगर आप और ज़्यादा बजट में जाना चाहते हैं तो आप लैक्मे के इंस्टा लाइनर ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ 2 कलर है, ब्लू और गोल्डन, और दोनों ही बहुत अच्छे कलर हैं। आप इसमें ब्लैक कलर भी मिल जाएगा आपको, ये आपको 110 रुपीज़ के अंडर मिल जाएंगे, वैसे 113 का MRP आई गेस, हाँ 130 रुपीज़ इसका MRP है, बट ये आपको 100 और 110 के अंडर आराम से मिल जाएंगे। तो आप ये वाला आईलाइनर ट्राई कर सकते हैं। और मस्कारा के लिए मैं यहाँ आपको मेबलिन का मस्कारा सजेस्ट करूँगी, हाइपर कर्ल मस्कारा, ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, आपको बिल्कुल फॉल्स लैशेस जैसा इफ़ेक्ट देता है, काफ़ी नेचुरल लुकिंग है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छा मस्कारा है, और आपको ईजिली 300 के अंडर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिप्स की। तो लिप्स में लिपस्टिक के इतने ऑप्शंस हैं, हम कितने भी ले ले कमी लगती है, मुझे तो पर्सनली लिपस्टिक बहुत पसंद है। सो उससे पहले मैं आपको एक लिप बाम सजेस्ट करूँगी, लिप बाम बहुत ज़रूरी है लगाना और आप लगाएं। सो ये है ब्लू हेवन का लिप बाम, आपको 60-70 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा। ये बबल गम, सॉरी लीची या स्ट्रॉबेरी वेरियंट में है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ये लीची वेरिएंट में है, तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। आप लिप बाम कोई भी अपनी पसंद का ले सकते हैं। और लिपस्टिक के लिए मैं आपको यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए 4 लिपस्टिक दिखाऊंगी। सबसे पहले तो रेड और पिंक, इसके बिना तो ब्राइडल किट कभी पूरी नहीं हो सकती। पिंक में यहाँ पर मेरे पास है शुगर की लिपस्टिक शेड नंबर 07 रीथिंक पिंक, और ये इतना सुंदर पिंक कलर है ना गाइज, बहुत ही सुंदर कलर, एकदम ब्राइट पिंक, और हर स्किन टोन पे, आई थिंक अगर आप डस्की टू फेयर स्किन टोन है तो आप बहुत अच्छा लगेगा, और ब्राइडल के पास तो ये लिपस्टिक होनी ही चाहिए। और रेड लिपस्टिक में शुगर की मिनी लिपस्टिक में ये शेड है 010 ड्रॉप डेड रेड, और ये बहुत ब्यूटीफुल लिपस्टिक है, मेरे ब्राइडल लहंगे के बिल्कुल मैचिंग की है। तो जब मैं आपको अपना ब्राइडल लुक दिखाऊंगी तो आप उसमें देखना मैं यही लिपस्टिक अप्लाई करूंगी, और ये लिपस्टिक बहुत खूबसूरत है, अगर आप ब्राइड टू बी हैं तो आपके पास होनी चाहिए। देन मैं आपको 2 और लिपस्टिक सजेस्ट करूँगी, एक न्यूड रख लीजिए आप, और एक आप कोई भी अपनी पसंद का ब्राउन, रोजी पिंक, मैंने ये रोज़ कलर रखा, थोड़ा रोज़ पिंक शेड है, ये 70-80 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। इनसाइड कॉस्मेटिक की लिपस्टिक है, शेड नंबर 04 फ्रूशियस पिंक, और ये काफ़ी सुंदर न्यूड लिपस्टिक है, न्यूड तो नहीं कहेंगे बट बहुत ज़्यादा बोल्ड भी नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट माय फेवरेट लिपस्टिक टच ऑफ स्पाइस मेबलिन की, और आप ये डेफिनेटली खरीदिए। मेकअप की तो बात कर ली हमने, बट मेकअप हम करेंगे कैसे, उसके लिए हमें ब्रशेस, ब्यूटी ब्लेंडर ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्यूटी ब्लेंडर आप एक ऐसा ले सकते हैं, मैंने ये लोकल स्टोर से लिया था, तो मैं एज सच आपको कोई ब्रांड नहीं बता सकती, बट आपको हर ब्रांड में ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाएंगे, 150 से लेकर 200 की रेंज में आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर मिल जाएंगे, तो आप डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं।
और मेकअप ब्रश सेट के लिए ये ऐसे ब्रश सेट आते हैं, आपको 200 और 250 में मिल जाएंगे। मैंने ये बहुत यूज़ किए हैं और ये बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं। ये जो भी आपका यू नो मेकअप होता है उसे बहुत अच्छे से अपने पर्पज़ को सर्व करते हैं। मैं इसे फाउंडेशन के लिए अभी भी यूज़ करती हूँ। इसके आधे ब्रश जो है मैंने अपनी सिस्टर को दे दिए क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ब्रशेज़ हो गए थे। तो ये ऐसे ब्रश आप ले सकते हैं और ये आपको 250 के अंडर अंडर मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक ब्रश सेट बाय किया था फ्लिपकार्ट से और ये मुझे 550 और समथिंग के मिले थे। ये एक्चुअली रियल टेक्निक की कॉपी है, रियल टेक्निक और पूना स्टोर की कॉपी है, बट ये भी काफ़ी अच्छे ब्रशेज हैं गाइज। अगर आप ये 5-6 का सेट ले लेते ना आपका काम हो जाएगा इजीली। 600 और 500 में आपको अभी तो 400 की हो रखे हैं ये ब्रशेज, तो आप फ्लिपकार्ट में आपको इजीली ये ब्रशेज दिख जाएंगे। 6 ब्रशेज होते हैं और ये आपके मेकअप को आराम से आप अपना मेकअप इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। आप कितना मेकअप कर ले जब तक उसे फिक्स नहीं करेंगे तो फिर यू नो मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सिंग फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विटामिन ई। सो ये मैंने लिया है आई थिंक मुझे 200 के अंडर अंडर मिल गया था। इस पर MRP नहीं लिखी हुई, मुझे दिख नहीं रहा। MRP 249 है बट मुझे 200 के अंडर मिला था, मैंने अमेज़ॉन से लिया था। तो आप भी ले सकते हैं, ये काफ़ी अफोर्डेबल है और अच्छा मेकअप फिक्सर है, तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है आप बोनस कह लीजिए, मैं आपको यू नो ऐसा कुछ इंक्लूड तो नहीं, मतलब यूजुअली नहीं दिखाते लोग, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगी नेल पेंट्स। तो नेल पेंट्स में मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, एक आप रेड ले लीजिए और एक न्यूड लिपस्टिक। बस आपको और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कलर्स। हाँ अगर आप नेल पेंट बहुत पसंद करते हैं देन इट्स अप टू यू, बट मेरी तरफ से 2 ले लीजिए एंड देट विल बी मोर देन इनफ, एक न्यूड और एक रेड। इसके अलावा आपके पास एक छोटा मिरर भी होना चाहिए, यू नो वैनिटी में रखिए, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर का मिरर भी यूज़ कर सकते हैं बट एक ऐसा मिरर भी आप ले लीजिए, ये काफ़ी काम में आने वाली चीज़ है। एंड गाइस दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और ये ब्राइडल सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है, और चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि मेरी खुद की ब्राइडल सीरीज़ भी स्टार्ट ही है। और मैं अभी बहुत जल्दी अपना यू नो हल्दी लुक, मेहंदी लुक, सारे लुक करने वाली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशली फॉर माय ब्राइडल लुक। देखते हैं कैसा रहता है मेरा ब्राइडल लुक, जो मेरे माइंड में है वैसा ही होगा मेकअप। सो मैं आपको शो करूँगी और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो गाइज। एंड हैप्पी दिवाली, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय।